नीचे ही रुक नीचे पीछे चलो एक पे चलो भैया इधर है अरे प्रदीप जल्दी से जल्दी से आइए ना प्रदीप भैया वाला आइए मुझे खुश चेक करने को देसी गए क्या और आइए सॉरी त्रिशा अपना अनु इसको मैं पकड़ता हूँ हेलो बहुत ज्यादा डाउन है इनको खिलाइए हमको तो खिलाएंगे हाँ बिल्कुल अरे भैया थोड़ा सा लगा एक चेली को ले राम यादव भाई विवेक भाई अब आप बैठिए ना अरे स्वागत स्वागत है स्वागत आपके बेटे का हो रहा है बेटे का हो या बाप का हो अरे स्वागत फैन जुड़े हुए हैं देखिए सर जी स्वागत कर रहे हैं हमारे लिए हमारे जी गुरु के महान आए थे हमारे बड़े भाई खेसारी भैया जाना चाहूँगा यादव जी हैं ये मड़ियाहू विधानसभा के भावी MLA भी हैं आप सुख रहे हैं आगे क्या बात है क्या बात है चलिए ताली बजा दीजिए ताली बजाइए ताली बजाइए एक नंबर दो नंबर एक नंबर पाचा पीछे 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 जो संभव सर के लिए सर हमारे
पूछना चाहूँगा एस फोर यू एंटरटेनमेंट भोजपुरी का आज लॉन्च होने वाला है, संजय जी इनके संस्थापक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और खेसारी भैया चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी को, जिन्होंने ये म्यूजिक इंटरटेनमेंट चैनल एस फोर यू लॉन्च किया। इससे क्या होगा, भोजपुरी क्षेत्र में जो भी म्यूजिक एल्बम छोटे छोटे बनाने वाले हों उनको जो है ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। और खेसारी जी आ रहे हैं, वेरी नाइस वेलकम। मैं राम सिंह राजपूत, एक्टर बॉलीवुड। अभी हमारी 3-4 फिल्म आने वाली हैं, जो एक तो वो 3 दिन उसने उसको तो बर्लिन में अवार्ड भी मिला, बर्लिन फेस्टिवल में अवार्ड मिला। दूसरी हमारी मूवी है कुतुब मीनार, उसको भी लंदन फेस्टिवल में अवार्ड मिला। और तीसरी हमारी फिल्म है पातालपन। तीनों फिल्म हमारी पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट हो चुकी है और ये कोविड का रुका हुआ है मामला। जैसे कोविड का थोड़ा सा ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे, सब डिस्ट्रक्शन जो है, देन मेरे तीनों फिल्में रिलीज़ होंगी। उसके पहले मेरी फिल्म है गांधी और हंसा एक संयोग, तो मैंने अभी तक 5-6 फिल्में की हैं और आप लोग देखते हैं उसको। तो कब से इस क्षेत्र में आप, और पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया था, और जो किरदार निभा रहे हैं इन सब फिल्मों में किस तरह का किरदार है? देखिए क्या, इसमें सब डिफरेंट किरदार हैं। हंसा में मैं इंस्पेक्टर में था और कुतुब मीनार में मेन विलेन था और पाताल पानी में एक मैं ऑफिसर के रोल में हूँ, रेलवे ऑफिसर के रोल में। और वो 3 दिन जिसमें संजय मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, सारे लोग थे उसमें, मार्केट के सारे अच्छे कलाकार, उसमें मेरा हवलदार का करेक्टर था। अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी, आप लोग जरूर देखिए। और उसके अलावा अभी हमारी 2 वेब सीरीज हैं, ऑन शूट है, और 2 फिल्में मेरी फिर से हैं नवंबर में, वो प्री प्रोडक्शन हो चुका है, बस हम लोग जल्दी उस पर शूट पर निकलेंगे। तो कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में, आपका कोई बैकग्राउंड जो है अभिनय का उसके बारे में बताइए, कैसे आए, क्या संघर्ष हुआ आपका यहाँ पे? बैकग्राउंड तो मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं उस लाइन में। एक हॉबी मेरे अंदर जो हमारी इच्छा थी, अंदर से एक मन कहता था कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में जाऊँ, और बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक था। मैं अपने क्षेत्र में बेसिकली मैं इलाहाबाद के पास का रहने वाला हूँ और बचपन से ही हम लोग वहाँ ऑर्केस्ट्रा, स्टेज शो, ये सब करते आए, तो बड़ी रुचि रही इस लाइन में। और आप जानते हैं कि जब किसी को एक बार एक्टिंग में रुचि आ जाती है, वो चाहता है कि मैं बड़ा काम हासिल करूँ, बस उसी उम्मीद से मैं भी बॉम्बे आया, देखिए आगे क्या होता है। तो किसे आदर्श मानते हैं आप, कौन सा अभिनेता है चलित अभिनेता से आदर्श मानते हैं आप? आदर्श तो भैया हमारे अमिताभ बच्चन जी है, वो सभी के आदर्श हैं, मेरे भी अमिताभ बच्चन जी आदर्श हैं। कल मुझे एक डाक क्लब में एक 24 हाइट करके कंपनी है और इंडियन सीनियर फिल्म, इन दोनों ने कल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, करमवीर बढ़िया सर। हाँ, तो करमवीर में कल मुझे एक अवार्ड दिया गया अभिनय क्षेत्र में बेस्ट एक्टिंग के लिए, हम लोग भी वहीं थे सर, उसमें मुझे अवार्ड मिला। उसमें कल बहुत सारे लोगों को और भी अवार्ड मिला, तो बस प्रयासरत हूँ और ईश्वर चाहेगा तो जल्दी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लूँ। थैंक्स सर। संजय जी ने जो आज स्थापित किया है एस फोर यू एंटरटेनमेंट भोजपुरी का, क्या कहना चाहेंगे आप, खेसारी भैया को इनवाइट किया चीफ गेस्ट के तौर पे? आज भी बहुत अच्छा पल है और भोजपुरी में एक और बड़ा चल रहा है एस फोर यू एंटरटेनमेंट, जो संजय जी खोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है और इसके टिकट खेसारी के जो ही पहुँचने वाले हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए एक और बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। संजय भैया राजनीति और समाज सेवा में भी काफ़ी सफल हुए हैं, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? संजय भैया वहाँ भी सफल हुए और यहाँ भी सफल होंगे और सफल हैं और सफल यहाँ भी रहेंगे। उनके व्यक्तित्व की खास बात क्या नज़र आती है आपको? बहुत ही पोलाइट आदमी, बहुत ही जमीन वाला आदमी, मतलब दो बार विधायक हुए, इतना शांत स्वभाव, इतने मिलनसार, हम उनको लगभग 4 या 5 साल जान रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी दुख की बात है,
मैं इसी जगह पे उनसे मिलने आया था, कभी उन्होंने किराए पे लिए थे, आज उनका खुद का हो गया, उनकी खुद की ऑफिस हो गई, उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और वेबसाइट जीवन में क्या चल रहा है आपके, क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी भैया नौकरी में बन के रेडी है, लॉकडाउन की वजह सब लोग खाली इंतजार कर रहे हैं, अब अक्टूबर से स्टार्ट करने के बीच में है लोग, बाकी मैं तीन फिल्म नया कर रहा हूँ, इसका आज ही अनाउंस हुआ है। अगर बता सके तो बताइए नौ फीचर में हीरो कौन कौन से? सब भाई, चार में तो मैं रवि किशन है, बाकी मेरी सोलो है। सर आजकल सिंगिंग कर चालू करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ सारे गाँव से कॉन्टेक्ट किया हो भैया, कर रहा हूँ, गाना भी जरूरी है ना, हीरो गाना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा तो नहीं किसी को कंपटीशन देना है? नहीं नहीं, मेरा किसी कोई कंपटीशन नहीं है। भोजपुरी में पहले सिंगर होते हैं बाद में एक्टर होते हैं, आप पहले एक्टर थे बाद में सिंगर हुए? नहीं मेरा किसी को कोई कंपटीशन नहीं, और ये सिंगर में सिंगिंग में करता हूँ तो सोचा करता हूँ, मेरी बहुत आ चुकी है, बस ऐसे ही चल रहा है। आजकल रील पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे रील चल रहा है आपका? हाँ थोड़ा फॉलो बढ़ा चक्कर हो, फॉलो बढ़िया मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है भैया। फॉर यू जो कि हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं संजय जी, और बहुत ही अच्छे और सीनियर एक्टर हैं, आज उन्होंने एक चैनल जो कि यस फॉर यू एंटरटेनमेंट एक चैनल का आज शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपने तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ उस चैनल को कि बहुत बड़ा चैनल बने, आने वाले समय में हम भी उस चैनल के लिए काम करें। सर केसरी जी लॉन्च करें, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, वो एक हमारी इंडस्ट्री के स्टार हैं और खेसारी जी हमारे सीनियर भाई हैं हमारे सिनेमा के, और बिल्कुल उसकी ओपनिंग कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है भाई, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस चैनल को भी ट्रेंडिंग बना के रखें। और इससे आप बताइए सर, लिट्टी चोखा खाए हैं कि नहीं अभी? अरे बोला ये खाने दे। हाँ लिट्टी चोखा बहुत खाए हैं, बिहार में भी खाए हैं, बॉम्बे में भी खाता हूँ लिट्टी चोखा। पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है लिट्टी चोखा, दम जबरदस्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? चौका कहाँ पर जबरदस्त चल रहा है, मतलब लोकेशन तो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पर। अच्छा, फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई ना? हो चुकी है, एक हफ्ता हो गया। अच्छा, तो लिट्टी चोखा तो मैंने बहुत खाया है, पर लिट्टी चोखा अभी मैंने देखा नहीं है, और फिल्म अच्छी चल रही है, उसके लिए बहुत सारी बधाई। यस फॉर यू के लिए यही बोलूँगा, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, आप सब भी चैनल वाले हैं, आप सबका भी चैनल अच्छा चले, हिट हो, बहुत अच्छा चले। और संजय भैया, संजय यादव जी बड़े अच्छे नेता भी रहे हैं, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, इन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में की है, हिंदी भी किया है, उनको बहुत सारी बधाई। और एस फॉर यू जैसे बी फॉर यू है। अमृत जी आपकी और क्या कमिंग अप प्रोजेक्ट है? हाँ अपकमिंग अभी जस्ट फर्स्ट लुक नवरात्रि के पहले दिन जय माँ बिंदुवासिनी, जल्दी एक बड़े चैनल पे और बड़े सेटेलाइट पे सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। साथ ही साथ मैंने एक और फिल्म की है जो कि बहुत अच्छी है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे के भैया भी हैं साथ में, लगभग हर फिल्मों में होते हैं, तो राजमहल, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें अमरपाली और हमने और पीके भैया ने काफ़ी अच्छे किरदार निभाए हैं, तो आने वाले और भी बहुत सारी फिल्में हैं और सिनेमा का एक अच्छी शुरुआत हुई है जी। जय माँ बिंदुवासिनी बिल्कुल आ रही है और जल्दी ट्रेलर और सिनेमा भी आप लोगों के बीच में दिखेगा, जिसमें पीके भैया हम दोनों उसमें भी हैं, और माँ की असीम कृपा है, जो कि मज़ा आया था सिनेमा करके और दर्शकों को देख के भी अच्छा लगा। अमरीश जी की और मेरी लगभग 10 फिल्में आने वाली है एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल बैक टू बैक काफ़ी फिल्में आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार, आप लोग चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले संजय भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक कंपनी लॉन्च किए हैं और ये प्रोडक्शन का भी चालू, फिल्म स्टूडियो भी मैं सब चालू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी अच्छा अच्छा गाना सब चीज़ को बढ़ावा कर रहे हैं। चीफ गेस्ट में खेसारी लाल जी हैं क्या? अरे वो तो भैया अगर कुछ बात नहीं आएँगे अच्छा है। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने मित्र संजय यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एस फोर एंटरटेनमेंट के लिए, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनके साथ है, और मेरे प्रिय मित्र हैं वो, और मैं आरएस हूँ और वो मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सर आप कुछ
नमस्कार, हम भोजपुरी गायक अभिषेक पांडे बोल रहे हैं और बहुत मतलब खुशी के बात बात की संजय भैया के ओपनिंग भइल बा इस स्टोरी में और बहुत अच्छा अच्छा हमने काम करे के सब जितना भी भोजपुरी कलाकार बा सभी मिल के काम करी और एक लेवल के काम करी। यही महादेव से शुभकामना बा, विनती बा। थैंक यू। मित्रों, मेरे प्यारे भोजपुरी मित्रों, भाइयों, बहनों, एस फॉर यू आपके लिए एक चैनल आ गया एंटरटेनमेंट से भरा भोजपुरी खुशबू का, ऐसा चैनल जिसमें आपको भोजपुरी की अलग अलग वैरायटी मिलेगी और हमारे पार्टी का संपूर्ण समर्थन मिले। एस फॉर यू, जस्ट फॉर यू, आप अपने परिवार के साथ इसे देखते रहिए। मित्रों मित्रों, अब हंसने का टाइम आ गया है, एंटरटेन होने का टाइम आ गया है। मैं भी इनके साथ में हूँ, मेरी पार्टी भी इनके साथ में है, हमारा पूरा समर्थन इनके साथ में है। मुझे लगता है आपका भी समर्थन एस फॉर यू को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। धन्यवाद सर के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, इलाहाबाद रहिए। सर के साड़ी जी के हाथों जो है आज लॉन्चिंग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है? कितनी बहुत खुशी की बात है कि खेसारी लाल जो है, खेसारी लाल जी जो है वो भोजपुरी की इस वक्त नंबर वन स्टार है और उनके हाथ से अगर इनॉग्रेशन हो रहा है तो मतलब शुरुआत ही नंबर वन से हो रही है, तो फिर आगे क्या है कमाल होगा आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी है तो ये एस फॉर यू नहीं, ये 4G और 5G से भी आगे स्पीड हो जाएगा 6G। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम राम सुजान सिंह है, एक्टर हूँ। एस फॉर यू चैनल आज ही लॉन्च हो रहा है और सुनने में आया कि सुपर स्टार खेसारी लाल जी के हाथों ओपनिंग हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने संजय यादव जी को, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, दर्शक लोग मिल करके इसको उस ऊंचाई पर ले जाएं जहाँ भोजपुरी जाना चाहता है। और भी चैनल के लिए मेरे तरफ से एस फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुरुआत में जानना चाहूँगा, ये जो संजय जी ने बोला कि एक्सपोर्ट एंड न्यू एंटरटेनमेंट क्या करना चाहेंगे, शुभकामना कैसे देना चाहेंगे और आपके बारे में भी बताइए, आपका जो प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये आज बहुत खुशी की बात है। संजय जी ने एस फॉर यू ये म्यूजिक लॉन्च किया है तो हमारे गाँव के हैं, हमारे तरफ के हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो ये सबसे अच्छी बात लगती है। एक सिंगर के लिए कंपनी 2, 4, 5, 10 खुले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं मेरा प्रोजेक्ट अभी इसी कंपनी से छठ पूजा के लिए, मैं सबसे पहले मैं पुष्पन गाना चाहती हूँ तो मेरा गाना है छठ पूजा का आ रहा है इनकी कंपनी से। चीफ गेस्ट में खेसारी लाल जी, क्या कुछ? अरे वाह, खेसारी लाल जी बेस्ट फ्रेंड है हमारे, सभी लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है कि वो आ रहे हैं हम सबके बीच और इतने बड़े कंपनी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सो हैप्पी। वर्षा जी, थोड़ा सा गुनगुनाएं अपने जो अच्छे गाने हैं आपके इस साल के। सबसे पहले इंडस्ट्री में जो मेरा पहला फिल्म था, मैं उसी का एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। प्यार की कसम कहता नहीं हूँ, अरे तू ही मोरा बाल माँ, तू ही हमारी जान, अब ले तुमके पूरा भाई इनके यार माँ, अरे तू ही मोरा बाल माँ, तू ही हमारी जान, अब ले तुमके पूरा यार। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे हमारे शिक्षक हैं और हमें देख रहे सुन रहे हैं, सबको बता दूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चैनल तो बहुत है लेकिन आज हमारे संजय यादव जी ने जो दिल और लगन से अपनी जो कंपनी जो एस फॉर यू एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर रहा है, इसे भोजपुरी के लिए ये बहुत बड़ा एक योगदान है।
और जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक बड़ा सा मंच मिलेगा। तो हम यही चाहें कि जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, जितने श्रोतागण हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हम ये उम्मीद करेंगे, आशीर्वाद दें कि चैनल फले फूले। मैम आप बताइए, पर्चे दीजिए और बताइए स्टैंड के बारे में और संजय के बारे में। संजय से मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ यहाँ पे और बात हुई थी मेरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोला कि अभी तो नई कोशिश कर रहे हैं नए चैनल के थ्रू। तो इससे क्या ना कि हम जैसे न्यू कमर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही बिग कदम है इनके लिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम जैसे जितने भी न्यू कमर्स होंगे उनको चार काम ज़्यादा मिलेगा, हम लोग जानेंगे। और बहुत थैंक्स, मैं यहाँ पे हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। नाम तो बता दीजिए। हाँ, मैं खुशी झा जी, मैं गोपाल सिंह गायक अभिनेता हूँ। ये हमारी सहपाठी हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। हम चाहेंगे कि आज हमारी इंडस्ट्री में हर हीरोइन भी अक्सर देखते हैं गाने लगती हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसा है कि हर अभिनेता को भी गायक बना देता है। सिंगर हैं नहीं? अच्छा, मैं सिंगर हूँ। आप उधर नहीं, बरसा जी? मैं सिंगर हूँ। बरसा जी हाँ, आज का सिंगर एक्टर, क्योंकि वीडियो में तो एक्ट्रेस बनना पड़ता है ना आपको। जी जी, प्रोफेशनली सिंगर। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने देखिए, खुशी की बात है कि संजय जी जो खुद एक बहुत ज़बरदस्त निर्माता भी रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं और राजनीति में भी एक बहुत ऊंचाई उन्होंने पाई, लेकिन जो बुनियाद है जिस चीज़ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की थी उसको वो नहीं भूले हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ये कंपनी शुरू करके उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी भी निभाई है और एक नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, तमाम कलाकार लोगों के लिए एक नया रास्ता खोला है। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि वो इस काम में सफल हों। और हम लोग और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस नौजवान जो एक सपना देख के इतनी बड़ी कंपनी शुरू की है उसमें योगदान दे सके। ये भी कहना चाहूँगा कि इनका जो मेन उद्देश्य है कि परिवार पूरा देखे फिल्म को, ऐसा प्रोजेक्ट बनाए या ऐसा म्यूजिक हो, तो क्या कहना चाहिए उस चीज़ के बारे में? जी, मैं तो शायद आपको पता है कि नहीं, मालूम नहीं, मैं तो वो इंसान हूँ जिसकी फिल्में परिवार ही देखती थी, चाहे वो गंगा किनारे मोरा गांव हो, बुल्हा गंगा पार के धरती मैया। आज के दौर में हम ज़रूर भटक गए और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के दर्शक अगर हमारी घर की माँ बहनें नहीं हों तो उस क्षेत्रीय भाषा की वो कभी ऊंचाई नहीं पा सकते। और संजय बाबू का ये प्रयास, जो वक्त की ज़रूरत है, आज हमारी माँ बहनें तरस रही हैं उसी तरह की फिल्में देखने के लिए, तो ये इनका प्रयास सफल होगा और हम लोगों को खुशी होगी कि उसमें एक सिपाही बन के हम लोग भी कुछ योगदान। संजय जी, कितनी खुशी की बात है, भोजपुरी के मिल के पत्थर बोले जाते हैं और खेसारी जी आज ट्रेंडिंग स्टार है, आपको दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा बात यह है कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मूवी बनाने, प्रतिज्ञा पार्ट टू बनाया था, इस प्रतिज्ञा पार्ट टू का भी हमारा हिस्सा मेरे बड़े भाई रहे हैं, आशीर्वाद उन्होंने उस समय भी दिया था। आज जो मैं म्यूजिक चैनल अपना जो भोजपुरी यूट्यूब का मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ, उस समय भी हमारे खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ खड़े थे और आज भी हमारे बड़े भाई अपना आशीर्वाद देने यहाँ पे आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई और भोजपुरी के महान नायक कुणाल भैया जो उन्होंने। खेसारी जी के बारे में क्या कहेंगे? खेसारी जी लॉन्च कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? खेसारी जी के बारे में सर लॉन्च करें अपने हाथों से। खेसारी जी आज के दौर के मील के पत्थर हैं, हर वक्त का एक शहनशाह होता है। जब से भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू हुई है एक एक दौर के एक शहनशाह रहे हैं और आज हमारे खेसारी हैं। वो तो मुझे प्यार से बाबूजी कहते हैं, मैं भी उन्हें बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बड़ा मेहनती लड़का है और ईश्वर उसको सफलता दें। हाँ, ज़रूर पारिवारिक फिल्मों में काम करें ताकि अश्लीलता का मुहर न लगे उसके भविष्य पर, उसकी ज़िंदगी। यही संदेश था। थैंक यू सर।
ठीक है सर, रोल सर, ये दो कैमरे को आज देंगे सर। आज आपस में इंडक्शन का लॉन्च हो रहा है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये संजय बाबू म्यूजिक चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा की फिल्में, और मुझे विश्वास है कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज है, और ऐसे कई अनमोल सितारे जिनको जगह नहीं मिलता, जिनको आसमान में उड़ने का पंख नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए संजय बाबू का ये चैनल बहुत मददगार साबित होगा। वैसे कलाकार जो कहीं छिपे हुए हैं, जो आर्थिक मजबूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते जो आसमान पे नहीं आ पाते, वैसे लोगों को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। सर, आपको कितना सपोर्ट मिला सरकार? बिल्कुल, अभी तक मैं जब से मुंबई आया तब से सपोर्ट मुझे मिलता है, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है। और उन्होंने जब मैं स्टार्ट करा था, दिन से मैंने राय भी लिया था, उन्होंने बहुत अच्छा राय दिया और बोले कि संजय जी, आप सेवा के भाव से भी आप पॉलिटिक्स करते हैं, नेतागिरी करते हैं, इस भाव से भी आप इस लाइन में आ रहे हैं। जिसके पास प्रतिभा है, उस कलाकार के पास अभी बोले संसाधन नहीं है, तो ऐसे कलाकारों का भी मैं सम्मान करूँगा, इस मंच दूँगा, इस पर यूट्यूब चैनल भोजपुरी का। तो मैं इसी व्यू से मैं आया, फिर से मैं आया हूँ, एक दूसरी पारी के मैं दिल्ली चल रहा हूँ, और बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे मिला दिल से। खेसारी जी आज उनके हाथों से लॉन्च हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं, उनके हाथों से ही लॉन्च होना चाहिए। एक तो वो हम लोग के परिवार का बच्चा है, मेहनती है, और आज बहुत बड़ा सितारा है, और उस सितारा बनने के पीछे उस बच्चे की मेहनत है, और हम तमाम भोजपुरी समाज उन पे नाज करता है। तो इससे खुशी की और क्या बात होगी कि उनके हाथों से लॉन्च हो, ये शुभ काम उसके ही हाथों से होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आपने एक शब्द बोला कि सारी लाल के हाथों से हो रहा है, स्वाभाविक है कि आज हिंदी का ट्रेडिंग हो या हिंदुस्तान का ट्रेडिंग जब होता है तो खेसारी जी ट्रेडिंग वन के तो आते ही हैं, चाहे वो भोजपुरी हमारा जो क्षेत्रीय भाषा का जो है। और आज जो लॉन्चिंग है हमारा, हमारे ये गार्जियन है, बड़े भाई हैं, जो आशीर्वाद तो हमें मिलता है, और खेसारी जी वो ट्रेडिंग स्टार हैं जो उनके हाथ से मैं अपने इस पूरी भोजपुरी का मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो राय हमारे गार्जियन का ही रहा है, हमारे कुणाल भैया का ही रहा है कि सबसे बेटर रहेगा कि इस चैनल का ओपनिंग खेसारी लाल यादव जी के हाथ से कराइए, और उन्होंने ये राय दिया मुझे कि म्यूजिक चैनल खोलना भी चाहिए। खेसारी जी का भी काफ़ी सहयोग रहा है इस कंपनी को खड़ा। एसपोरियो एंटरटेनमेंट का आज लॉन्च है, संजय जी ने कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे संजय जी के बारे में और एसपोरियो एंटरटेनमेंट के बारे में? यही कि ये बहुत डायनेमिक है और हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे इकलौते एक्टर, पॉलिटिक्स में तो खैर बाद में गए और वहाँ गए, वहाँ पर भी बहुत सक्रिय रहे हैं, एक टर्म में विधायक रहे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो आगे फिर से जीत के आएंगे, फिर से बहुत बड़ा काम होगा, इनका नाम होगा, और इसमें भी बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं। और चूंकि सिनेमा से जुड़े हुए हैं तो सिनेमा परिवार के मेंबर हैं, हम लोगों के बहुत करीबी हैं, छोटे भाई हैं मेरे। उस दिन मुझे लग रहा है बन रहा था, उस दिन ने मुझे बुलाया, मैं आके गया हूँ ऑफिस में, बहुत खूबसूरत बनाया है, और जिस तरह से उन्होंने चैनल की शुरुआत की है और प्रोडक्शन हाउस जो शुरू किया है जस्ट ने, ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा पहल है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी सिनेमा प्रेम इनको जो है वो खींच के लेकर आता रहता है बार बार, और इस परिवार में दोबारा आके अगर एक लेवल पर काम कर रहे हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं। और दो बातें संजय भाई ने कही है कि एक तो पारिवारिक जो होता है लोग वो देख सकेंगे पूरे परिवार के साथ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सब ना देख सकते, दूसरी बात नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एस्टैब्लिश आदमी जो है उसको मौका देंगे, क्या कहना चाहेंगे उसको? ये तो अच्छी बात है, ये तो मुझे लग रहा है जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक वो एक जो चैन ऐसे चलता है ना किसी भी चीज़ों का, कोई भी इंडस्ट्री हो या कहीं पर भी हो, जब देखिए जो लोग अपनी जगह आके एक जगह ठहरते हैं, जैसे साइकिल का चयन होता है, तो साइकिल का चयन कैसे चलता है, नीचे से ऐसे आता है, एक पॉइंट पर ऊपर आता है, उसके बाद नीचे हो जाता है वो चयन, तो नीचे से जो आ रहा है उसको आप नया कह सकते हैं, तो वो आएगा वो भी अपनी जगह तो लेगा ना, तो जो एक जगह पर है वो तब तक तो ये तो प्रकृति है, और प्रकृति को तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया उद्देश्य, इससे बढ़िया मैसेज और क्या हो सकता है,
कि जिसके अंदर आप नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, मार्केट के स्टार्टअप लोग हैं उनके साथ कंटेंट बना रहे हैं और परिवार के लिए देखने के लायक बना रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भी इस वक्त भोजपुरी सिनेमा जो है बहुत अलग दिशा में चल पड़ा है। विवाह फिल्म के आने के बाद से लोग पूरी तरह टूट पड़े हैं। प्रदीप जी प्रोड्यूसर थे उसके विवाह के, तो उसके बाद से लोग टूट पड़े हैं कि किस तरह से फैमिली और परिवार को कैसे सिनेमा हॉल तक कराया जाए, जो बीच में मिस हो चुके थे। प्रदीप जी, आपके हम इस पहल को लेकर ये चैनल के बारे में बताइए और संजय जी बताइए। संजय जी मेरे बहुत करीबी मित्रों में से एक हैं और मित्र के अलावा इंसान बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो चैनल खोला है बहुत अच्छा है, इनके पारिवारिक इसके साथ जो चला रहे हैं अच्छी बात है। और हम लोग जो फिल्म लाइन में जुड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, इसके पहले उन्होंने काम भी किया है और मेरे पिक्चर अभी हम लोग शूट कर दिया है loveyouare.com में, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन में जीत के आएंगे। इसके पहले भी उन्होंने अपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पब्लिक जो उधर के लोग हैं, यहाँ के विधायक हैं, लोगों के इतने फोन आते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं और क्षेत्र में जितना अच्छा काम किया है तो वापस आएंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक जो भोजपुरी सिनेमा से जितना लगाव रखते हैं उतना वहाँ भी रखते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि जो भी हमारे वो कोई कमियाँ ये होंगी हमको सपोर्ट करेंगे, वापस आए जीत के, तो हम लोग भी चाहते हैं जीते और बहुत अच्छी बात है। और इस चैनल खोलने के लिए आगे पिक्चरें भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी कहना होगा कि अभी भी थिएटर खुले नहीं हैं लेकिन 22 से खुलने वाले हैं। अभी लिट्टी चौपाई की बहुत बंपर बिजनेस कर दी है, तो कितना एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है कि आप थिएटर में जा रहे हैं लोग और बहुत भीड़ भड़के के साथ फिल्म देख रहे हैं। ये जैसे अभी फिल्म मतलब अभी बॉम्बे का 24 से खुलने वाला है, बाकी जगह का तो खुल चुका है। और सेकेंड लॉकडाउन के बाद कमांडो अर्जुन पिक्चर आई थी, दर्शकों का बहुत बड़ा उफान उस टाइम से दिखा कमांडो अर्जुन से, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो भी फिल्में आती जा रही हैं उन फिल्मों को भी दर्शकों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि लोग जो है जितनी भी फिल्में आए, अच्छी फिल्में हों, जितनी कलाकार की हों, उनको लोग देखें। सिनेमा भरना ज़रूरी है, जब तक सिनेमा हॉल में पब्लिक को देखो क्या होता है, मोबाइल पर कितने दिन तक फिल्में देखेंगे। मोबाइल पर देखना, सिनेमा हॉल के अंदर देखना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे विदेश की अगर बातें करें तो हमसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उनका अपग्रेड रहा है, लेकिन आज उनकी फिल्में फिर से लोग थिएटर में देख ही रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा सिनेमा हॉल फिर से बहुत बड़ा होगा, और जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है कि फिर से इंडस्ट्री जो है वो बहुत अलग लेवल पर होगी और खासतौर से सिनेमा हॉल में बहुत अलग होगा। यानी यहाँ बताइए क्या करना चाहेंगे, जो पहल है उसका तो तारीफ कर रहे हैं, अभी सर ने तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे आपने पहल को लेकर, आप इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको? चलिए सपोर्ट तो सब लोग का आशीर्वाद से नहीं मिल ही रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, और आप सब भी हैं सपोर्ट करने के लिए। कोशिश एक अच्छा कर रहा हूँ कि अभी आप, मैं पहले भी बोला जिसके अंदर प्रतिभा है उसके लिए मंच भी बना रहा हूँ, बाकी सब तो हमारे लिए सब प्यारे हैं, जिनसे मैं सबको मानता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे सब आपको पता चलेगा, स्टेप बाई स्टेप मैं चल रहा हूँ। अभी मेरा पहला स्टेप है कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा स्टेप में मुझे कुछ और दिखाई देगा आपको, फिर मेरा प्रोडक्शन हाउस भी आपको दिखाई देगा। आपने जो क्वेश्चन किया पारिवारिक फिल्म भोजपुरी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी बनती है फिल्म पारिवारिक फिल्म ही बनती है। थोड़ा भाषा हम लोग का जो है कुछ मिठास ज़्यादा होता है उसमें, तो उसको लोग थोड़ा सा अलग व्यू में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, सभी मेकर हैं हमारे, प्रदीप भी आए हैं, रत्ना जी जो भी हैं, सब लोग अच्छी फिल्म बनाने के लिए आते हैं, सब लोग अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छी फिल्म बनती भी है। और पारिवारिक पिक्चर बन गए, अभी तक जितने भी पिक्चर बने हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैं अपने आप को जहाँ तक भोजपुरी में अपने आप को सबसे आगे रखता हूँ, और मैं दिल से बोलता हूँ भोजपुरी के लिए मैं जीता हूँ, मेरे अंदर भी भोजपुरी है, जिससे मेरा ब्लड चलता है उसने मैं भोजपुरी को भी मेरे अंदर चलता है, तो भोजपुरी अच्छी फिल्म बनती है तो ही समाज में चल रही है, ये इंडस्ट्री मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो सर आपकी क्या पेशकश आगे, ऐसी पेशकश जिसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है दर्शकों को देखने को, कौन सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। यही बात कर रहे हैं, मेरी फिल्म अभी आएगी जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावे और इश्क। मैंने मतलब एक दो साल के बाद फिल्में डायरेक्ट की हैं,
के बीच में बहुत पैंडमिक सा सिचुएशन था, तो मैंने सोचा मैंने एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी लैला मजनू जो बहुत अच्छी रही, लॉकडाउन पहले लॉकडाउन के पहले फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दर्शकों का रहा और बहुत प्यार दिया लोगों ने। बट दो सालों से मैंने कोई फिल्म बनाई नहीं थी, डायरेक्ट नहीं की थी, अब फिर से लेकर आऊँ। बहुत बड़े कैनवास की फिल्में हैं जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला, जल्दी उसका ट्रेलर भी आएगा और दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा फिर से वही जलवा, वही परिपक्व सिनेमा जिस तरह से पहले राजकुमार पांडे वाला फिल्म और फ्लेवर वाली फिल्में जो आती रही हैं, जैसे बहुत फिल्में 50 पिक्चरें मैंने डायरेक्ट की और लगभग फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, 4-5 सिल्वर जुबली पिक्चरें मेरे खाते में रही हैं, तो वो कलर दर्शकों को फिर से मिलेगा मेरे डायरेक्शन में। थैंक यू। प्रतिभावान लोगों को और मौका भी आप दीजिए सबको, जिस तरह मैं सेवा करता हूँ। फिर सिर्फ खेसारी जी ने इस बात को बोला, हमारे बड़े भाई ने भी इस बात को हमें राय दिया था कि इस कार्य करना चाहिए। मैं बताऊँ आप मुझसे किसी अभी पत्रकार नहीं होंगे पूछ रहे थे कि खेसारी जी ही क्यों इसका उद्घाटन करें, तो शायद मैंने कहा कि वही सबसे सही चुनाव है इसका उद्घाटन करें। क्या बात है, तो और संजय जी को मैंने कहा कि इसके हाथ से करवाइए, संघर्ष करके वो नौजवान आज इस ऊंचाई पे पहुंचा है, जब भोजपुरिया समाज इस बच्चे को प्यार करता है, तो ये आगे बढ़ के वैसे तमाम कलाकार जो पारिवारिक जिम्मेदारी और आर्थिक मजबूरी से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, वो पूरा कुछ समय को रखते हैं। बिल्कुल हमारे और ऑडियो एंटरटेनमेंट का जो ओपनिंग है संजय यादव जी का चैनल है, संजय जी के बारे में और इस चैनल के बारे में। ये इनका चैनल है ही नहीं, ये पूरे भोजपुरी समाज का चैनल है, हम सब कलाकारों के चैनल है, ये इंटरटेन किसी का होता नहीं है, इंटरटेन सबका होता है, और ये लॉन्च बस एक माध्यम है ये, और ये जो भी कंपनी है मुझे लगता है कि आप सबके प्यार जनता के दुलार के और आशीर्वाद की बदौलत ही चलने वाली है, तो ये पूरी जनता की कंपनी है एस फॉर यू, और मेरी शुभकामना है अपने संगीत के तरफ से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय जी को कि एक माध्यम बन रहे हैं हमारे समाज के लिए, कि इनके ज़रिए अब अच्छे गाने अच्छे फिल्में अच्छे प्रतिभा जो भी लड़कों के बीच में होगी, हमारे लड़कियों के बीच में होगी, चाहे वो एक्टर हो एक्ट्रेस हो गायिका हो सिंगर जो भी हो, तो एक माध्यम ही बन रहे हैं, और बहुत कम लोगों के नसीब में होता है माध्यम किसी चीज़ के लिए बनना, एक हमारे लिए खुशखबरी है कि हाँ एक कंपनी का और निर्माण हुआ हमारे समाज के लिए। ये भी कहना चाहूँगा संजय जी ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट वो बनाएंगे वो पूरा परिवार देख सके, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे और ज़्यादातर नए लोगों को मौका देंगे अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी मैं क्या बोला सुखदायक यही बात है कि इनके मन में एक विचारधारा अच्छे संकेत लाती है, और आपके अंदर विचार अगर अच्छी नहीं हो तो शायद आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, इनके विचारधारा में हमारे समाज के लिए अच्छा करना है तो मेरी शुभकामना है। ये भी कहना चाहूँगा आप देख रहे हैं 1.5 साल से जो माहौल है, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है, लिट्टी चोखा बंपर बिजनेस कर रहा है, उसके लिए बताइए कि कितना अच्छा ये पहल है कि हर चीज़ खुल चुका है, बिजनेस अच्छा हो रहा है सिनेमा का, उसके लिए बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों का प्यार है हमारे प्रति, जो हमें मोहब्बत देती है, चाहे वो कोविड हो या कोई भी आपदा आ जाए, वो अपने बच्चों को भूलते नहीं हैं, तो हम एक बेटे की तरह बस संघर्ष करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वो परिवार हमें अगर सम्मान देता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे परिवार में हमारी अहमियत है। कहने का ये भी कहना चाहूँ कि आज के दौर में आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हाल ही में आर्यन को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए बताइए कि ये कितना गलत है? देखिए वो तो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे यहाँ लोग उथलाली से रोटी खा लेते हैं लेकिन पाउडर नहीं खाते, हम लोग उथलाली से रोटी बोल के खा लेते हैं, हमारे यहाँ नशा हमारी भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि सब लोग दूध पीने वाले ही हैं, होगा कोई तो मुझे पता नहीं है। केसरी जी ये जानना चाहेंगे, अभी आपने एक बयान दिया था अच्छे चैनल पे, जिम्मेदार चैनल पे, आपने कहा कि एक कलाकार किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगा, खासकर एक्ट्रेस को बुरा लगा, वो इसे आपके विरोध में देख रही हैं, कुछ एक्टर इसको सपोर्ट में देख रही हैं, आप अभी भी इस बयान पे कायम है कि एक एक्टर किसी के साथ भी रोमांस कर सकता है? देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे तो जो भी जिनको भी वो जिन्होंने भी रिएक्ट किया है मुझे पता नहीं किसने किया है, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि मैं किसी के अंडर व्यू देख पाता हूँ,
तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू मेरे सुनी होंगी तो शायद उनको समझ में आता, और विदाउट सुने अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है तो उनकी सोच है। बट मेरा कहने का मतलब है कि एक एक्टर अगर है तो उसके रिएक्शन पे ही चीज़ें होती हैं। अगर मक्खी इतनी बड़ी हिट हुई तो उसका रीज़न सुदीप थे, क्योंकि उनकी रिएक्शन इतनी अच्छी थी कि एक मक्खी के साथ में उन्होंने जो एक्ट किया वो मायने रखता है। तो मैंने वही बातें कही कि मेरा अगर डायरेक्टर है कि बकरी को भी लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट में बकरी हीरोइन है तो मैं उसके साथ भी रोमांस करूँगा, क्योंकि वो मेरा काम है और मैं अपना कर्तव्य हमेशा करूँगा चाहे वो जिस विधि में। तो मेरे कहने का मतलब कि हमेशा हम कोट पैंट थोड़ी पहनते हैं, कभी कभी अपने घर में तावल में भी रहते हैं। तो जब हम इंसान के रूप में हर भाव में, हमेशा मुझे पनीर तो मिलता नहीं है, कभी लिट्टी चोखा भी खाता हूँ, तो जब हम अपने खाने में अपने पहनाव में हर चीज़ कर सकते हैं तो क्या हम बकरी के साथ रोमांस नहीं कर सकते? अगर हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है तो, अगर हमें उसी के लिए साइन किया गया है तो हमारे रिएक्शन पे वो निर्धारित है कि मैं कितना अच्छा रिएक्ट कर रहा हूँ उस बकरी के साथ। तो मेरा मानना किसी हीरोइन को बकरी बनाना नहीं, मैं कैरेक्टर की बात किया। अगर हो सकता है उन्होंने अपने आप पे ले लिया होगा तो मैं उसकी जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। भारी भैया ये भी जानना था, बिग बॉस में आप थे, अक्षरा जी भी बिग बॉस थे लेकिन जीत नहीं पाई, फिर भी क्या कहना चाहेंगे? आप देखते थे जब अक्षरा जी थी बिग बॉस में, और बिग बॉस शो के बारे में ओवरऑल क्या आपका? हजारों लोग दौड़ते हैं रेस में, हर आदमी तो आर्मी का फौजी नहीं बनता है ना, हर आदमी दौड़ना चाहता है। अक्षरा जी ने बहुत अच्छा खेला, अपने समाज के नाम ऊँचा किया उन्होंने, मेरी शुभकामना उनके साथ है। और हमें उसको गलत, हर चीज़ में जीत थोड़ी होती है, हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं वो मायने रखता है, जीत मायने नहीं रखता है। जीतने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे समाज में। मैं भी बिग बॉस में गया, मैं नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जिंदगी की रेस हार गई मैं। आज जहाँ जीत रहा हूँ वहाँ जीत रहा हूँ, जहाँ खेलना है मुझे खेलना, वो हमारा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, वो एक नए प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रूव करना होता है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी माँ बहन की गाली नहीं दे सकते और ना ही किसी को दे सकते ना सुन सकते हैं, और वहाँ हर चीज़ चलता है। तो वो उनका अपना फॉर्मेट है, उसको हम बोल भी नहीं सकते कि हाँ आप अपना बदल दीजिए। हमारा नेचर कहता है कि हम अपने माँ बाप के संस्कार में आज भी जीते हैं और जब तक जिएंगे तब तक शायद उस संस्कार के साथ ही रहेंगे। तो जब संस्कार हावी होता है तो आप समाज में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। पाखी हेगड़े के साथ आपके वीडियो सॉन्ग काफ़ी हिट हुए हैं और दर्शक की ये डिमांड है कि आप उनके साथ कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं तो बताइए। देखिए अभी तो कुछ लाइनअप उनके साथ है नहीं, लेकिन शायद आने वाले समय में होगा। हर कलाकार को इच्छा होती है किसी के साथ काम करना, मेरी भी इच्छा है एक अनुभवी के अनुभव के साथ काम करना। तो अनुभव जब आता है तो निखार कहीं ना कहीं आपके अंदर होती है। तो आज मैं आस्की मूवी भी किया, मुझे लगता है कि बाबा के साथ मैंने दूसरी मूवी की ना तीसरी मूवी, एक मैंने प्रतिज्ञा की थी तो हमारा छोटा सा रोल था, और दूसरा मूवी था हमारा असलम जी उसके डायरेक्टर माया जी प्रोड्यूसर थे, संसार 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 में हमारे फादर बने थे, और तीसरी मूवी हमने आस्की की। तो जो चीज़ें मेरे अंदर कमियां थी, पापा हमें बोलते थे बेटा इसको ऐसे बोलो, तो हमें अच्छा लगता है कि अपने तौर बाकी जी हमारी सीनियर है तो हमें लगता है कि उनके साथ जब भी मैं काम करता हूँ या करूँगा तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। संजय जी आप पटना से आ रहे हैं, लिट्टी चोखा खाए कि नहीं पटना में? हम पटना जाए या लिट्टी ना खाए तो काहे कथी पटना जाए? कैसे लिट्टी का भाव आज के डेट में? लिट्टी के भाव अगर करोड़ों रुपया हो जाए तब हम खाए, काहे से तो हमारा लिट्टी का ना कहे का जोना गरी लोगा आई रहनी बॉम्बे में वो घड़ी रसूलपुर चट्टी के लिट्टी के क्या भाव रहे और आज के डेट में रसूलपुर चट्टी की लिट्टी के क्या भाव रहे? भगवान पे फूल चढ़ने वाले जो चीज़ें होती हैं ना उसके भाव नहीं देखते, हमारे श्रद्धा उस लिट्टी के प्रति कितना है, हमारा श्रद्धा उस भगवान के प्रति कितना है, ये मायने। संजय जी अगर मैं यहाँ कुणाल जी बैठे हैं, भोजपुरी के महानायक हैं, एक साइड है ट्रेंडिंग स्टार, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपके यस फॉर यू को लॉन्च कर रहे हैं? मुझे लगता है जब से आप आए हैं उस खुशी का इजहार तो मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको। कुणाल भैया भी हमारे हैं और हमारे ट्रेंडिंग स्टार भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एस फॉर यू इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल जो मेरे भोजपुरी आ रहा है, मैं काफ़ी दिल से खुश हूँ इसको, मैं आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई का प्यार मिला, भाई के गाने भी इस पर आए। दर्शकों को ये बताइए सर इस चैनल से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? इससे 29 लोग जुड़े हुए हैं, एस फॉर यू से 29 लोग जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारे स्टार जो हमारे ट्रेडिंग स्टार हैं किशन यादव जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, कल्लू जी। मैं इनके जवाब देता हूँ, 29 लोग ही नहीं, भोजपुरी के जितने श्रोता हैं सब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे 29 और खेसारी के जुड़ने से कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हमारी जनता जब जुड़ती है तब हमारी चीज़ें बड़ी होती है, हम माध्यम बन सकते हैं,
बस किसी को चलाने के लिए हमारे जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। सर आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, निरहुआ जी ने अभी हाल ही में बोला कि पवन और केसाई जी के गाने खूब हिट होते हो रहे हैं, उनको अब फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए, फिल्मों को हिट करना चाहिए। बिल्कुल, तो फिल्में तो हिट हो ही रही है, हम फिल्म पर ध्यान नहीं देते तो लिट्टी चोखा कैसे हिट होता, पबजी कैसे चलता, हमारे एक और सिनेमा चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे चलती, एक और सिनेमा रिलीज हुआ था मेरा प्यार किया तो निभाना, वो कैसे चलता। अगर चल रही है चीज़ें, अभी बताइए कोविड में जब सलमान खान नहीं चल पाए तो खेसारी का क्या औकात है भाई। तो हमारे कहने का मतलब कि कोविड में तो कोई नहीं चला, कोविड में तो भगवान तक नहीं चले, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें धरती पर। एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी जो फिल्में कर रहे हैं उसको भी चलना चाहिए। हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ खेसारी और पवन की नहीं है, ये खेसारी और पवन की नहीं है, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर करेक्टर हीरोइन हीरो हर आदमी का विषय है, क्योंकि हमारा सिर्फ खेसारी सिनेमा से नहीं जुड़ा है, भोजपुरी का भविष्य जुड़ा है। तो हम भोजपुरी के भविष्य के लिए अगर काम करते हैं तो दिनेश भी अभी काम कर रहे हैं, ये बात उनको भी ध्यान देना है, हमें भी देना है, हर कलाकार को देना है जो भोजपुरी समाज के लिए लड़ रहा है, कर रहा है और दो रोटी कमा भी रहा है और लोगों को दान भी कर रहा है और अपना परिवार भी चला रहा है। संजय जी, संजय सर, कब तक केस फॉर यू पे खेसारी जी का गाना या कोई प्रोग्राम आएगा? अभी आपके सामने हमारे खेसारी जी आ गए हैं, इंटरटेन का कोई सीमा नहीं होता और टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। उम्मीद करें दर्शक, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, हम अपने अंदर उम्मीद जगा के भगवान पत्थर को भी विश्वास जगा देते हैं। संजय जी, उम्मीद पे पूरी दुनिया है। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे चीज़ हैं, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके इस भोजपुरी मनोरंजन चैनल पे अश्लीलता ना आए? आप अभी तो मैं बोलूँगा कि वाकई में जो मैं करने जा रहा हूँ, और अभी तक भोजपुरी में मैं अश्लीलता मानता ही नहीं, क्योंकि अश्लीलता चलता ही नहीं, और हमारे जो ट्रेडिंग स्टार हैं हरदम अच्छा ही रहते हैं, अच्छा ही गाना गाते हैं, और तो निश्चित तौर पर भोजपुरी भी बहुत अच्छा ही कर लेके आएगा आपके सामने, और अभी फिलहाल मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। देखिए, अगर आप भोजपुरी को अश्लीलता बोल रहे हैं तो पूरी समाज को गाली दे रहे हैं। सर मेरा मानना वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर भोजपुरी में खेसारी अश्लीलता लाए हैं, पवन सिंह लाए हैं, दिनेश सिंह लाए हैं, मनोज जी लाए हैं, रवि जी लाए हैं, बाकी आर्टिस्ट लाए हैं, तो मुझे लगता है कि खेसारी को बड़ा करने वाला कौन है? हमारी जनता है, तो हमारी जनता अश्लील तो नहीं है। आपके अंदर कुछ कला जरूर होगा जिसकी वजह से आपको दुनिया ने प्यार और अपना बेटा बनाकर अपनी गोद में बैठा लिया, तो हमारी भोजपुरी अश्लील ना थी ना है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार भी उतना ही है, रिश्ते भी अनमोल हैं, हमारी मिट्टी इतनी खुशबूदार है कि मुझे लगता है कि धरती के सबसे अच्छे अन्न से लेकर फल तक हमारी मिट्टी देती है, और उसी मिट्टी के पैदाइश खेसारी लाल यादव का है, और वो मिट्टी कभी अपनी भाषा से गद्दारी नहीं कर सकती। महाराज जी भी हैं लॉन्च करने के लिए, क्या बोले, और मैं ही नहीं, इस चैनल के लिए मैं तो एक सहयोगी हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े हाथ इस चैनल पे हैं, बाबा हमारे हैं, हमारे फादर हैं, भगवान हैं, आइकॉन हैं भोजपुरी के, सब कुछ जो भी अगर रिश्ते से लेकर और तख्ता दिया जाए तो सारे तख्ता यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। केसारी जी, पप्पू यादव जी बैठे हैं जो मड़ियाहूँ विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष इनके परिवार से हैं, आप वहाँ गए थे मड़ियाहूँ विधानसभा में, किस तरह का विकास कार्य पप्पू जी कर रहे हैं उस साइड? अब देखिए, विकास तो कर नहीं, देख लो इंसान कितना अच्छा हमें उकरे हमारा पता करता, ऐसे जब उनका काम है हमारा घर तो है ना, ये हम कर चापा कल हल्ला देख ले पहले, तो बात यहाँ है कि इंसान अच्छे हैं, और इंसान अच्छे हैं तो शायद अपने समाज को अच्छा करने का हर चीज़ करेंगे जो समाज को कुछ फ़ायदा मिले, और कुछ ओके का हम सब पूरे समाज, पूरे कलाकार, जो कलाकार बंधु हैं, एक्ट्रेस से लेकर सिनेमा से लेकर हर आदमी अपने समाज के एक इंसान को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, बाकी आप सबका दायित्व बनता है, जैसे अपने समाज का कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा देंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।